अलग शुरुआत रही है. हाउ डू यू थॉट ऑफ दिस आइडिया, कैसे शुरुआत करी आपने? और ये बिल्कुल अलग है. अब जब हम यू नो इस तरह के कॉन्टेस्ट की बात करते हैं तो वहाँ बड़ा ध्यान रखा जाता है कि आपका बॉडी टाइप कैसा है और आप कैसा कितनी हाइट है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था. जाना चाहूँ डिटेल. मैं स्मृति पंचाल, मैं मिसेस यूनिवर्स रह चुकी हूँ. इसके पहले मैंने मिसेस ग्लोबल इंटरनेशनल वर्ल्ड, मिसेस एशिया इंटरनेशनल, मिसेस इंडिया अर्थ, मिसेस भारत आइकॉन, टॉप मॉडल ऑफ इंडिया, ऐसे बहुत से टाइटल जीते हैं. ये सब टाइटल जीतने के बाद मेरे मन में एक ख्याल आया कि मैं भी कुछ लेडीज लोगों के लिए करूं. और मैंने ये पेशेंट्स के दरमियान बहुत से लेडीज लोगों को ऑब्जर्व किया, तो मैंने देखा कि हर एक लेडीज में कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, उसकी कुछ ब्यूटी है, आउटर ब्यूटी के साथ साथ उनमें इनर ब्यूटी है. जो वो पोटेंशियल है वो मैं चाहती हूँ कि वो बाहर आ जाए. तो ये जो मेरे थॉट्स थे, इसकी वजह से वी आर नाउ द फाउंडर ऑफ मिस एंड मिसेस इंडिया पैसिफिक, अप्सरा महाराष्ट्र एंड मिस एंड मिसेस इंडिया. तो हम लोगों का ये जो अभी पेजेंट है ये सहारा स्टार मुंबई में हुआ था, और इसमें बहुत से कंटेस्टेंट ने पार्टिसिपेट किया था. जो भी लेडीज थी 18 साल से लेके 58 इयर्स तक की लेडीज थी, अलग अलग कैटेगरीज थी. उसमें मिस भी जीती, प्रीमियम कैटेगरी में दूसरी लेडीज भी मिसेस में जीती, और अभी जो मेरे साथ है अर्चना तेंदुलकर वो क्लासिक कैटेगरी में जीती है, जो 38 से लेके 55 तक की जो कैटेगरी है उसमें वो जीती है. तो मैं चाहती हूँ कि हर एक महिला जो है उसे बहुत खूबसूरत रहती है, मतलब उसके अंदरूनी जो सौंदर्य है उसको हम लोग बाहर लाना चाहते हैं. तो इसकी वजह से हम लोगों ने पेजेंट स्टार्ट किया, और हम लोगों का कॉज ही है किचन टू कॉर्पोरेट. यानी किचन ये एरिया खाली स्त्रियों तक सीमित नहीं है, तो उससे बाहर आके वो कॉर्पोरेट तक जा सकती है. ये जो मेरी विनर है अर्चना तेंदुलकर, पहले ये मराठी इंडस्ट्री में रह चुकी है. बिफोर मैरिज शी वॉज वेरी फेमस इन मराठी इंडस्ट्री. उसके बाद में उसने उसके मैरिज के बाद में उसकी सब जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो उसने पूरी कंप्लीट की है. और उसके बाद अभी उसने जो ये पेजेंट में पार्टिसिपेट किया एंड शी वॉन द टाइटल, दिस इज रियली अप्रिशिएबल. ओके अर्चना जी, जब इस तरह का कुछ होता है, क्योंकि आप ऑलरेडी मराठी इंडस्ट्री का हिस्सा रह चुकी हैं, जब आपको इस तरह का ऑफर दिया गया क्या जहन में आया कि हाँ ये बाकी रह गया था, ये मुझे करना है? हाँ ये बाकी रह गया था, ये बात है क्योंकि मैं मिस कोल्हापुर हो चुकी हूँ, मिस कोल्हापुर 1989, मिस मैनचेस्टर, मिस महाराष्ट्र. तो अभी मैं ये चाहती थी कि वापस, मतलब 27 साल बाद, कि क्या मैं ये वापस रैंप शो, वापस ऐसे ब्यूटी प्रोजेक्ट कर सकती हूँ, मेरे में कॉन्फिडेंस है या नहीं है. और एक ऐसे बात थी कि मैंने मेरा पहला मैके का नाम तो रोशन किया, लेकिन हर एक औरत चाहती है कि मैं जब ससुराल आऊँ तो मैं ससुराल का नाम भी उतना ही रोशन करूँ. तो मेरा वो सोच लेके और एक कॉन्फिडेंस मतलब रिगेन करने के लिए मैंने ये पेजेंट में पार्टिसिपेट किया था. क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरा, और क्या उम्मीद थी कि आप विनर बन के बाहर आएंगे? और इतना बड़ा वक्त, मतलब 27 साल कोई छोटा वक्त नहीं होता है, बहुत बड़ा गैप है, और उसके बावजूद आना, डू यू गॉट इमोशनल व्हाइल वॉकिंग ऑन द रैंप और व्हाइल विनिंग दिस ट्रॉफी? नहीं, विनिंग के बाद बहुत इमोशनल मैं हो चुकी थी, क्योंकि मतलब पता नहीं, मतलब कुछ वेरी सरप्राइज, मतलब यस, इतना मैंने 23 साल मेरे मैरिज लाइफ, इसके बाद मैं ये पेजेंट जीत सकती हूँ ये नहीं, ठीक है बेस्ट पर्सनालिटी का तो मुझे मिल गया था, लेकिन वो जो लास्ट होता है ना, द सर नेम स्टार्टिंग विद एस ए टी, धक 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 धक, एंड जब अर्चना तेंदुलकर बोला गया तो रियली आई वॉज वेरी मच सरप्राइज की दिस एज आई हैव वन द टाइटल. इट इज वेरी नाइस फॉर माई फैमिली, माई रिलेटिव, माई फ्रेंड्स एंड एवरीवेयर. मतलब एक इंस्पिरेशन लोग ले रहे हैं कि चलो ये उम्र में जाके भी हम ऐसा कर सकते हैं. अच्छा अच्छा, जब अपने ससुराल में कहा होगा कि आपको ये पार्टनर होना है बस एक बार, तो उनका क्या रिएक्शन था, आपके हस्बैंड हो या इन-लॉज हो, उनका क्या कहना था? मेरे मतलब पहले तो इसमें था कि स्पाउस का कंसेंट, तो स्पाउस का कंसेंट जैसे मैंने बोला कि ऐसे ब्यूटी पेजेंट है और मैं पार्टिसिपेट लेना चाहती हूँ, तो एक फटकी में से तो हस्बैंड ने हाँ ही बोल दिया. और सबसे मुझे बड़ी बात थी कि इन्होंने, मेरे पेजेंट जीत गए, क्राउन जीत गए, लेकिन मेरे हस्बैंड थे, ही वॉज आउट ऑफ इंडिया, और उसी दिन रात को 10:40 को उनकी फ्लाइट आ गई थी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे. और जैसे उन्होंने आए और वो नेट सर्विस में और बेटी का मैसेज पड़ा कि मॉम हैज वन द टाइटल, मतलब वो डायरेक्ट एयरपोर्ट से डायरेक्ट सहारा स्टार में वो एंटर हो गए. और वो जो मेरे फ्लैशेस फोटोज चले थे, मैंने हस्बैंड को सामने देख के मतलब मेरे होश हक्के बक्के, मतलब दंग रह गए. मतलब हस्बैंड आफ्टर 23 ऑफ इयर्स मेरे हस्बैंड आ गए मेरा शो देखने के लिए,
और लाइक मैं सबको इंट्रोड्यूस कर रही थी कि इज माई हस्बैंड, तो मेरे हस्बैंड ने बोला नो आई एम हर हस्बैंड, आई एम द हस्बैंड ऑफ द स्पिनर। सो वो जो बात उन्होंने स्टेटमेंट किया मुझे बहुत ही अच्छी लगी। सर महाराष्ट्र 2019, तो मैं उनको पूरा सपोर्ट करती हूँ और मैं मेरे जैसे जो अनेक महिलाएं हैं अपने महाराष्ट्र में उनको मैं मोटिवेट करना चाहती हूँ और उनको बोलना चाहती हूँ कि आप में जो हुनर है आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए और आपकी हुनर आपकी कला इसमें दिखाइए और आपको घर के अलावा भी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आप कर सकते हो ये इसमें मुझे उनको मैं मोटिवेट करना चाहती हूँ और ऐसे पेजेंट्स में आप पार्टिसिपेट करो ये मेरा कहना है।